ट्वेल्थ क्लास के सभी बच्चे ध्यान दें, ट्वेल्थ क्लास वालों के लिए आवश्यक सूचना है, एक ब्रेकिंग न्यूज है। न्यूज़ ये है कि आपको पता ही होगा, संडे को अभी एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। मीटिंग में ये निष्कर्ष निकाला था कि केंद्र सरकार ने ये फैसला किया था कि सभी राज्य अपने अपने सुझाव दें 25 तारीख तक कि आप परीक्षा करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते, परीक्षा करवाना चाहते हैं तो किस मोड में परीक्षाएं होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। यानी कि सीधे सीधे जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने साफ किया था कि सभी राज्य अपना अपना सुझाव हमको लिखित में दें। तो दिल्ली के जो उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं, उन्होंने अपने सुझाव में दो बातें मुख्य रूप से कही हैं, दो सुझाव दिए हैं अपने। दो सुझाव कौन कौन से दिए हैं पहले तो इस क्लिप को देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, आखिर उन्होंने क्या किया, क्यों कहा, सारा कुछ विश्लेषण करेंगे। पहले इस क्लिप को देखते हैं। पहले ये देख लीजिए, एबीपी न्यूज से ली गई है ये, और इसमें क्या है देखो, वही 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर मनीष सिसोदिया का शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को पत्र, परीक्षा से पहले दो सुझाव दिए। यानी कौन कौन से दो सुझाव दिए हैं वो चीज़ देख लेते हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट हम पढ़ लेते हैं। पहला सुझाव ये दिया है उन्होंने, पहला सुझाव देखिए, केंद्र सरकार एक्सपर्ट की राय ले कि क्या देश में बनी कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो अभी 18 से 44 साल के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो आगे 17.5 साल के बच्चों को दी जा सकती है। यानी कि जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है जो 18 से 44 साल के बच्चों को, 44 साल के व्यक्तियों को लग रही है, तो वो उन्होंने सुझाव दिया है कि क्या ये 17 साल के बच्चों को लगेगी, 17.5 साल के लगा सकते हैं तो, और अगर एक्सपर्ट सहमति दें तो प्राथमिकता के आधार पर कक्षा 12 के 95% बच्चों जो कि 17 साल के ऊपर के हैं उन्हें यह वैक्सीन दी जाए, साथ ही उनके सभी टीचर जिन्होंने किसी भी कारण से अब तक ये वैक्सीन नहीं ली हो उन्हें भी यह वैक्सीन तुरंत दी जाए। ठीक है, मतलब जो बच्चे, उनके जितने भी स्कूल में काम करने वाले टीचर हैं जिनकी ड्यूटी बोर्ड परीक्षा में लगेगी, ट्वेल्थ की बोर्ड परीक्षा में, उनको भी ये वैक्सीन दी जानी चाहिए जिन्होंने नहीं लगवाई है। राइट, तो आगे ये है दूसरा, केंद्र सरकार फाइजर कंपनी से तुरंत बात करे और उनसे 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए अप्रूव्ड वैक्सीन को भारत के बच्चों के लिए खरीदे। मनीष सिसोदिया ने कहा, अगर वैक्सीनेशन का विकल्प फिलहाल संभव नहीं हो तो हमारा सुझाव है कि इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा पूरी तरह रद्द की जाए। मतलब भैया सीधे सीधे उनका पूरा सुझाव ये है, या तो आप बच्चों, पहला सुझाव ये है कि बच्चों को जो मोस्टली जो इंटर के जो बच्चे हैं वो 17.5 साल के हैं लगभग, तो उन बच्चों को वैक्सीन लगनी चाहिए, यानी कि कोवाशील्ड और जो कोवैक्सीन है वो उनके लिए लग सकती है, तो उनको ये सुझाव दिया है भैया लग सकती है तो उनको लगवाई जाए। और दूसरा सुझाव ये है कि यदि तुम वैक्सीन ना लगवा सको, वैक्सीन का काम ना हो सके, तो परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाएं। ये दो सुझाव दिए हैं। राइट, चलो इसका विश्लेषण करते हैं। न्यूज़ से साफ साफ जाहिर होता है कि जो मनीष सिसोदिया जी हैं वो सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि जो भारत में बनी जो वैक्सीन है, दो वैक्सीन बन रही हैं भारत में, कौन कौन सी, कोवाशील्ड और कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन और कोवाशील्ड अभी अभी उनके लिए यानी 18 से 44 साल के व्यक्तियों के लिए लगाई जा रही है। राइट, तो उन्होंने कहा है कि एक्सपर्टों से पूछी जाए क्या ये वैक्सीन 17.5 साल या 17.5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगा सकते हैं इसको, यदि हाँ तो सभी बच्चों को, लगभग 12th के लगभग बच्चे जितने भी 95% ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 16 साढ़े 17 साल से ऊपर की है, तो उन सभी बच्चों को लगा दी जाए। राइट, तो उन्होंने ये सुझाव दिया है पहला कि सभी को एग्जाम होने से पहले सभी बच्चों को यानी वैक्सीन लगा दी जानी चाहिए, और दूसरा सभी टीचर्स को जिनकी ड्यूटी वहाँ पर लगेगी उन सभी को। ठीक है, ये दो यानी ये सुझाव दिए हैं, वैक्सीन का सुझाव दिया। सीधी सीधी बात ये है कि सभी जो भी बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं उनको वैक्सीन लगा देनी चाहिए एग्जाम से पहले। राइट, और टीचर्स को भी वैक्सीन दे देनी चाहिए। पहला सुझाव तो ये। दूसरा सुझाव ये दिया है कि यदि
जो, और पता है क्या कि 12th क्लास के बच्चे ऐसा ही नहीं कि सभी 17.5 साल के हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी जो 17 साल के हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो 16 साल के हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी 16.5 साल के। तो उन्होंने एक दूसरा सुझाव ये दिया है कि एक वैक्सीन थी जो कि बच्चों के लिए अप्रूव की गई है, यानी कि जिसको हम 12 से 18 साल के बच्चों को लगा सकते हैं। तो उन्होंने कहा है फाइजर से कि फाइजर कंपनी से कि उस वाली वैक्सीन को खरीदें और सभी बच्चों को वैक्सीन दी जाए, क्योंकि 10वीं के भी पेपर हैं, 10 मतलब इंटर के जो बच्चे हैं वो 16 साल से के भी हैं और 16 साल से अधिक के भी हैं, तो उनको वो वैक्सीन दी जाए। दूसरी बात, यदि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है सरकार पर, केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर पाती है कि वैक्सीन नहीं खरीद पाए या इंटर वाले सभी बच्चों को वैक्सीन ना लगा पाए, तो सीधे सीधे परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए। तो ये उनके दो सुझाव हैं। कभी आप सीधे सीधे यदि संक्षेप में कहूँ तो मनीष सिसोदिया जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि भैया यदि पेपर तुम ले ही रहे हो, ना मान रहे, यदि पेपर ले ही रहे हो तो पेपर लेने से पहले सभी बच्चों को वैक्सीन दी जानी चाहिए, पहला सुझाव। दूसरा सुझाव ये है कि यदि आप वैक्सीन ना लगवा सको तो सीधे सीधे इन परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए, ये है। और साथ में ये भी कहा है कि कोई ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जाना चाहिए कि जो मतलब सभी बच्चों को उनकी काबिलियत के हिसाब से नंबर मिल जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि सर काबिलियत तो बिना एग्जाम से कैसे पता करें, पता करने के और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, तो उनसे करे जाने चाहिए, राइट। और एक एबीपी ने, अखिल भारतीय विद्यालय परिषद ने भी केंद्र को पत्र लिखा था, तो उसमें क्या किया था उसके मैं अलग से अभी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने वो ढंग से पढ़ा नहीं है न्यूज आर्टिकल, अभी स्क्रीनशॉट ले रखा है तो उसको मैं पढ़ लेता हूँ, उसको भी मैं अभी अभी अपलोड कर दूंगा, राइट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, मनीष सिसोदिया जी की बात आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना कि आप उससे सहमत हो या नहीं, ये कमेंट जरूर करनी है आपको। मिलेंगे कुछ सस्ती वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।